नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने इतिहास से पटेल को मिटाने का प्रयास किया। काबुल में दूतावासों के बाहर आईएस के हमले, 5 मरे। पासवान ने कहा कि प्याज और टमाटर के दाम जल्द गिरेंगे। व्यापम घोटाला में सीबीआई के आरोप पत्र में 490 नाम, मुख्यमंत्री को क्लीन चिट। न्यूयॉर्क आतंकवादी हमले में 8 की मौत, संदिग्ध गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से मीरा वर्धन समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी। बहरीन में आतंकवाद के आरोप में 10 लोगों को उम्र कैद। तमिलनाडु में बारिश के कारण कई स्कूल बंद। शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में तेजी। दिल्ली T20 में नेहरा के आखिरी मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से। बिहार में मिनी बंदूक कारखाने का बंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। मोदी ने 5 राज्यों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। अफगानिस्तान में हवाई हमले में 4 आतंकवादी ढेर। मध्य नवंबर में फिर शुरू हो सकती है कुडनकुलम की दूसरी इकाई। न्यूयॉर्क हमले में मारे गए 8 लोगों में 5 अर्जेंटीना के।